नमस्कार, डीबी लाइव छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सिमरन कौर। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। हार के बाद अब कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष को लेकर चर्चा शुरू। भूपेश बघेल, डॉक्टर चरणदास महंत सहित अन्य नामों पर चर्चा। रायपुर महापौर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी। नेता प्रतिपक्ष ने कहा एजाज ढेबर को महापौर पद छोड़ देना चाहिए। और जीत के बाद बसना विधायक संपत अग्रवाल का बयान, कहा कांग्रेस के भ्रष्टाचार से छत्तीसगढ़ की जनता हुई मुक्त। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में हार के बाद अब कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में पूर्व सीएम भूपेश बघेल, विधानसभा अध्यक्ष रहे डॉक्टर चरणदास महंत, कवासी लखमा व उमेश पटेल हैं। बता दें कि कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी के लिए मुखर स्वर वाले नेताओं की कमी महसूस की जा रही है। वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, विधायक उमेश पटेल, कोटा विधायक कवासी लखमा, बस्तर विधायक लखेश्वर बघेल का नाम आगे किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के विधानसभा में मुख्यमंत्री को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया हो ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसे में अब कांग्रेस की नज़र वर्तमान ऐसे विधायकों पर है जो कि विधानसभा की कमान संभालने में सक्षम हों। प्रदेश में भाजपा की सरकार बनते ही रायपुर महापौर एजाज ढेबर के खिलाफ भाजपा अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। महापौर से नाराज निगम के भाजपा पार्षद अविश्वास प्रस्ताव को लेकर कल बैठक करेंगे। नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे ने कहा कि कल 12 बजे अविश्वास प्रस्ताव को लेकर भाजपा पार्षद दल की बैठक होगी। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं है, नैतिकता के आधार पर एजाज ढेबर को महापौर पद छोड़ देना चाहिए। बहुमत में कांग्रेस नहीं है इसलिए अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है कि चारों विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक प्रत्याशी हैं वो लोग भारी बहुमत से विजय हासिल किए हैं और यही हाल कमोबेश लगभग रायपुर शहर के 70 वार्ड में भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से लीड मिली है। हम चाहते हैं कि माननीय महापौर जी हैं वो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दें। जिस प्रकार माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने सत्ता हाथ से जाते ही राज्यपाल महोदय जी को अपना इस्तीफा सौंपा, हम चाह रहे हैं कि माननीय महापौर महोदय जी भी नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा दे दें। उनके साथ बहुमत नहीं है। रायपुर शहर के 70 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी को, लगभग 70 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को बहुमत मिली है, इसलिए किस अधिकार से और किस हक से माननीय महापौर जी महापौर की कुर्सी में बैठे हैं, अब इसको हम बेशर्मी तो नहीं कह सकते पर एक प्रकार से ढिठाई है, उनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना। छत्तीसगढ़ में भाजपा की बड़ी जीत के बाद बसना सीट से जीत दर्ज करने वाले विधायक संपत अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस के भ्रष्टाचार से जनता मुक्त हुई है। बसना विधायक संपत अग्रवाल ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस के भ्रष्टाचार से मुक्त हो गई है। बसना की जनता मुझे अपना बेटा मानती है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में अब डबल इंजन की सरकार है। जनता से जो भी वादे किए हैं उनको हम पूरा करेंगे। देखिए, 15 साल तक भी और डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी और जनता के विश्वास पे खरा उतरे थे, ये तो गलती थे और भ्रष्ट सरकार बैठ गई थी और हम जनता के विश्वास में खरा इसलिए उतरेंगे कि डबल इंजन की हमारी सरकार है। जो कुछ काम यहाँ से पूरे नहीं होंगे केंद्र से बोल के करवा लेंगे और जनता के हर वादे जो मैंने किए हैं जनता के सामने वो सब पूरे किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव को हराने वाले अंबिकापुर विधायक राजेश अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस की हार की बड़ी वजह प्रदेश में विकास कार्यों का नहीं होना है। अंबिकापुर विधायक राजेश अग्रवाल ने डीबी लाइव से चर्चा करते हुए कहा कि पूरे प्रदेश में जनता कांग्रेस से त्रस्त थी। पूरे प्रदेश में विकास कार्य नहीं होना कांग्रेस की हार की बड़ी वजह बनी है। अंबिकापुर के विधायक राजेश अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद है और उनसे हम विभिन्न विषयों पर हम चर्चा करेंगे। हाँ सर, आपने टीएस सिंधु को आप हरा कर आए हो, क्या चुनौतियाँ थी और किन विषयों को लेकर आप जनता के बीच गए थे? कोई चुनौती नहीं थी, पूरे प्रदेश में कांग्रेस से जनता त्रस्त थी और पूरे प्रदेश में ही भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया है। कांग्रेस की हार की बड़ी वजह क्या रही, क्या देखते हो आप? विकास कार्य नहीं हुए थे पूरे प्रदेश में, सारी कागजों में थे विकास कार्य। अब भारतीय जनता पार्टी अब आ गई है पूरे छत्तीसगढ़ में, तो अब क्या विषय है, किन नीतियों को लेकर आप आगे बढ़ेंगे? क्षेत्र की जनता का, जहाँ हर क्षेत्र का अलग अलग मांग रहता है, उनको निराकरण करेंगे, उनको दूर करने का कोशिश करेंगे। क्षेत्र का विकास करना मेन मुद्दा। हमारे साथ राजेश जी मौजूद थे और वो अभी अंबिकापुर के
विधायक है और उन्होंने टीएस सिंहदेव को हरा कराया है। इसी के साथ आप बने रहिए देश बंधु के डिजिटल प्लेटफॉर्म में उमेश कुमार साहू के साथ। कांग्रेस के कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर को हराकर भाजपा के विजय शर्मा ने कवर्धा में बाजी पलट दी है। विजय शर्मा ने कहा कि कांग्रेस ने अपनी विश्वसनीयता खो दी है। कवर्धा विधायक विजय शर्मा ने डीबी लाइव से चर्चा करते हुए कहा कि जनता सर्वोपरि होती है, जनता ही जनार्दन है, जनता का निर्णय सही होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी को लेकर उन्होंने कहा कि मोदी जी की गारंटी के ऊपर सभी ने विश्वास किया। कवर्धा के विधायक विजय शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है और हम उनसे विभिन्न विषयों पर हम चर्चा करेंगे। आपका कवर्धा के अकबर जी को हरा करा है, कितनी बड़ी बात है? नहीं, कितनी बड़ी बात है आप सोचे, वहाँ पर जनता ने तो निर्णय किया है, जनता ने निर्णय दिया है और जनता का निर्णय, जनता जनार्दन होती है, जनता का निर्णय भी सही होता है। हमने पिछली बार जब भाजपा को 15 सीटें मिली तब भी कहा था कि भैया सिरोधार्य है, जो जनादेश है वो सिरोधार्य है, आज भी ऐसा ही है। भय और आतंक की राजनीति कैसे चलेगी साहब? हम मोदी की गारंटी जब ठप्पा लग गया भाजपा के घोषणा पत्र पर तो कौन है जो विश्वास नहीं करेगा ऐसा? जी, हमारे साथ विजय शर्मा जी मौजूद थे और उन्होंने कहा कि जो मोदी जी की गारंटी है उस पर जो छत्तीसगढ़ की जनता है उन्होंने विश्वास किया है, इसी वजह से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। इसी के साथ आप देखते रहिए देश बंधु के डिजिटल प्लेटफॉर्म में उमेश कुमार साहू के साथ, रायपुर छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री रहे टीएस सिंहदेव ने हार के बाद बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मैं हार कर मैदान नहीं छोड़ूंगा, अगले 5 साल पूरा प्रयास करूंगा। टीएस सिंहदेव ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि जनमत का संपूर्ण आदर करते हुए उसे स्वीकार करते हैं। उन्होंने कहा कि हारा हूं तो 5 साल पूरा प्रयास करूंगा, क्षेत्र के लोगों के लिए जो भी पहल कर सकता हूं करता रहूंगा, मुझमें कहीं कोई कमी रह गई होगी जिस कारण लोगों ने मुझे इस चुनाव में नहीं अपनाया, आने वाले समय में कमियों को दूर करने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। कमी मुझमें मेरे में कोई ना कोई ऐसी बात है या रही होगी जिस कारण से लोगों ने मुझे नहीं अपनाया, इस चुनाव में नहीं अपनाया, और मैं जनमत का संपूर्ण आदर करते हुए उसे स्वीकार करता हूं और प्रयास करूंगा कि जो भी मेरे से कमियां रह गई हों, गलतियां हुई होंगी, मैं उनको दूर करने के लिए आने वाले समय में हर संभव प्रयास करता रहूंगा। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री पद को लेकर टीएस सिंहदेव ने डॉक्टर रमन सिंह और रेणुका सिंह को अपनी पसंद बताया है। उन्होंने कहा कि एक नागरिक के रूप में अगर मुझसे कोई पसंद पूछे तो इन दोनों का नाम लूंगा। उन्होंने कहा कि रेणुका सिंह सरगुजा लोकसभा की हैं, काफी अनुभवी हैं, उन्हें भी मौका मिलेगा तो व्यक्तिगत रूप से खुशी होगी। है उनकी बात, जो नाम चल रहे हैं स्वाभाविक तौर पे 3 बार के मुख्यमंत्री रमन सिंह जी हैं और टिकट के बंटवारे में भी ये चर्चा थी कि उनकी राय ज़्यादा चली, राय चली और जीत के आए हैं तो उनका पक्ष मजबूत दिखता है। फिर पार्टी के संगठन के उनके प्रदेश के अध्यक्ष अरुण साहू जी हैं, वो भी चुनाव जीत के आए हैं, आरएसएस के कैडर के माने जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी में आरएसएस के कैडर को एक तरजीह मिलती है, तो वो भी चुनाव में मुख्यमंत्री के चुनाव में उनका भी नाम सुनने में आ रहा है। ट्राइबल से अगर लेते हैं तो 2 नाम सरगुजा संभाग से सुनने में आ रहे हैं, एक विष्णुदेव साय जी का और एक हमारी रेणुका जी का, तो हमारी बीच की हैं, सरगुजा की हैं, सरगुजा लोकसभा की भी हैं, महिला भी हैं, जीत के भी आई हैं, अनुभव भी है, मंत्री के रूप में भी काम किया है, उनको भी मौका मिल जाएगा तो मुझे व्यक्तिगत तौर पे भी खुशी होगी कि अपने बीच से मुख्यमंत्री बन गए। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार आते ही बुलडोजर चलना शुरू हो गया है। राजधानी के मोतीबाग स्थित सालेम स्कूल के सामने अवैध चिकन चौपाटी पर निगम और पुलिस प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। राजधानी रायपुर के मोतीबाग स्थित सालेम स्कूल के सामने अवैध चिकन चौपाटी पर कार्यवाही के दौरान पुलिस और निगम कर्मी के साथ संचालकों का वाद विवाद भी हुआ। सालेम स्कूल की छात्राओं ने चौपाटी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया था। छात्राओं ने बैनर पोस्टर लेकर चौपाटी हटाने के लिए प्रदर्शन किया था। उनकी प्रमुख मांग थी कि स्कूल की दीवार से लगी चौपाटी को हटाया जाए, इससे पढ़ाई प्रभावित हो रही है। इसके बाद आज कार्रवाई की गई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, बने रहिए डीवी लाइव छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।